तीर्थम माया पुरीषु च तथा मित्र पदम नाम तथा केदार उत्तमम आस्था श्रद्धा एवं सबसे प्राचीन सभ्यता का साक्षी है यह वाराणसी शहर। यहाँ कल कल बहती पवित्र गंगा नदी की धारा जिसके समक्ष विद्यमान है यह ललिता घाट। मत्स्य पुराण में तीर्थों की चर्चा के अवसर पर ललिता तीर्थ का वर्णन हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के काशी खंड में भी जहाँ नव दुर्गा घाटों का वर्णन होता है वहां भी ललिता घाट का नाम अंकित है। ततो ललिता तीर्थं गंगा केशव सन्निधौ तत्रास्ति ललिता देवी क्षेत्र रक्षा करी परा सा च पूजा प्रयत्नेन सर्व संपत् समृद्धये ललिता पूजकानां च जातु विघ्नो न जायते। कृष्ण तृतीयायां ललितां परिपूज वै नारी वा पुरुषो वापि लभते वाञ्छितं पदं स्नात्वा च ललिता तीर्थे गंगा नदी के तट पर स्थित है ललिता तीर्थ जहाँ क्षेत्र रक्षा करने वाली दुर्गा रूपी ललिता गौरी का निवास है जिनकी सभी श्रद्धालु सर्व प्रकार संपत्ति लाभार्थ पूजा अर्चना करते हैं। इस घाट की सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ शिव के साथ शक्ति के दर्शन भी श्रद्धालुओं को मिलते हैं। घाट के ऊपर गली में माँ दुर्गा को समर्पित देवी ललिता का मंदिर विद्यमान है। साथ ही साथ यहाँ काष्ठ एवं ईंट से बना राज राजेश्वर मंदिर भी स्थापित है। भगवान शिव को समर्पित काशी में यह मंदिर नेपाल के पशुपति मंदिर का प्रतीक रूप है। वर्तमान में सुशोभित यह ललिता घाट पूर्व में तीन भागों में विभक्त था। दक्षिण दिशा की ओर से चलें तो नेपाली घाट ललिता घाट एवं राज राजेश्वरी घाट। इनका उल्लेख सन 1931 में मोतीचंद्र जी ने किया था। जहां नेपाली घाट एवं ललिता घाट के पक्के निर्माण का श्रेय नेपाल के महाराजा बहादुर शाह को जाता है तो वहीं राज राजेश्वरी घाट के निर्माण का श्रेय सिद्ध गिरी जी को जाता है। कालांतर में नेपाली एवं राज राजेश्वरी घाट ललिता घाट में ही समाहित हो गए। ऐसी मान्यता है कि अश्विन मास की कृष्णा तृतीया के दिन ललिता तीर्थ में स्नान कर देवी के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शरण भूषिता